अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तुम कहाँ रह गई थी? अम्मी तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी। अरे आंटी जी, मैंने आपसे इतनी दफा कहा है, आप क्यों परेशान होती हैं? कोई टेंशन मत लिया करें, आपका सहारा हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम आधे घंटे का कहकर गई थी। जी वो असल में आंटी जी ना, मैं दोस्तों के साथ फंस गई थी, उन्होंने मेरे लिए पार्टी रखी थी क्योंकि मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा जरा केयरफुल रहना। देखो आज भी अतिया को इसलिए किचन में खड़ा होना पड़ा क्योंकि तुम घर पर नहीं थी। तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने उसे मना किया है ज्यादा काम करने से, इस हालत में उसे आराम करना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू। चलो अब तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ, अरसम भी पूरा दिन के बाद घर आया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। परेशान ना, तुमने तो मुझे डरा दिया था, बैठे बैठे बेहोश हो गई थी तुम। खुशी भी तो दी है ना। हाँ खुश तो मैं भी बहुत हूँ। एक्चुअली पूरा दिन मेरा खुशगवार गुजरा, जी चाहता था सबसे ये बात शेयर करूँ, सबको बताऊँ। आपने किसी को बताया? हाँ अपने दोस्तों को, बल्कि वो सब तो इतना खुश हुए, मैं सोच रहा हूँ कि इसी खुशी में एक घर पर ग्रैंड पार्टी रखो। अब इतना भी क्यों उछाल रहे हैं आप इस बात को? क्यों ना उछालूं? मुझे डर लगता है नजर लग जाएगी। किसी की नजर नहीं लगती। अच्छा ये बताओ कि इमाम आपको बताया तुमने? नहीं उसे नहीं बता सकी, आपा को बता दिया। इमाम को क्यों नहीं बताया तुमने? वो तो तुम्हारी भांजी होने के साथ साथ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी है। उसे कॉल की थी मैंने, बताना चाह रही थी तो जुनेद आ गया, उसने कॉल काट दी। वो कह रही थी कि वो मुझे कॉल करेगी। तो तुम फिर से कर लेती? नहीं वो खुद ही कर लेगी मुझे कॉल बैक। हाँ भूल गई होगी वो। दरअसल नई नई शादी हुई उसकी और अपनी खुशी में कहाँ किसी खुशी याद रहती। वैसे आप क्यों चाहते हैं कि ये बात मैं हर किसी को बताऊं? बताया तो है, मैं तो चाहता हूं कि पूरी दुनिया को ये बात पता चले कि मैं बाप बनने जा रहा हूं। अच्छा मैं फ्रेश हो गया तुम।